दुनिया की चंद खुफिया जगहें जो आज तक एक राज हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वाटी उर्दू टीवी। यूं तो दुनिया में बहुत सी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और स्ट्रेंज जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में आज तक साइंसदान भी खोज नहीं लगा पाए। लेकिन मेरे नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। रोन एंड आर्वो रिवर्स। दोस्तों, रोन और आर्वो ये दो खूबसूरत दरिया हैं जिनके कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये दोनों दरिया जिनेवा में मौजूद एक जगह पर आकर मिलते हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा खूबसूरत शहर है। इन दरियाओं में सबसे अनयूजुअल बात यह है कि ये आपस में मिक्स नहीं होते। इनका कलर एक साथ रहने के बावजूद एक दूसरे से अलग रहता है। रोन रिवर के पानी का रंग ब्लू होता है, जबकि आर्वो रिवर के पानी का रंग ब्राउन होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इन दोनों दरियाओं की डायनेस्टी आपस में नहीं मिलती, इसीलिए ये मिक्स नहीं होते। साखा रिपब्लिक। दोस्तों, साखा रिपब्लिक रशियन फेडरेशन का एक एरिया है जिसे एंड ऑफ एक्सट्रीम कहा जाता है। ये इलाका बहुत ही बड़ा है और इसने रशिया की 20% जमीन घेरी हुई है। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल वीरान है, वहाँ कोई आबादी नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका इंडिया के साइज से भी बड़ा हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है और सर्दियों में तो यहाँ का टेम्परेचर -46 डिग्री फारेनहाइट तक पहुँच जाता है। इस इलाके की तकरीबन सारी जगह बर्फ से ढकी रहती हैं। इस इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ इंसान ने आज तक कदम भी नहीं रखा है। इस जगह को एंड ऑफ द वर्ल्ड कहना गलत नहीं होगा। लाइटनिंग स्टॉर्म। लाइटनिंग स्टॉर्म दोस्तों वेंजुएला के वेस्टर्न साइड में एक रिवर है जिसे टैकरकॉम रिवर भी कहा जाता है। इस दरिया के ऊपर एक ऐसा तूफान है जो कभी नहीं रुकता। ये तूफान हर रोज शाम 7 बजे शुरू होता है और इसमें शदीद बिजली चमकती है और तेज हवाएं भी चलती हैं। ये तूफान लगातार 10 घंटे तक रहता है। इस तूफान की टाइमिंग फिक्स है, ये साल के 12 महीने रहता है। ये शाम को 7 बजे शुरू होकर एग्जैक्ट 10 घंटे बाद खत्म हो जाता है। साइंटिस्ट इस बात का आज तक पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है। खैर, उनका मानना है कि दरिया के करीब मौजूद पहाड़ों की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ से हवाएं क्रूज होती हैं। लेकिन एग्जैक्ट शाम 7 बजे ही कैसे? सर्कल्स ऑफ नमीबिया। दोस्तों, रेगिस्तान दुनिया की ऐसी जगह है जहाँ मीलों तक कोई इंसान तो दूर, जानवर तक नजर नहीं आता। लेकिन नमीबिया के सहराओं में बहुत ही स्ट्रेंज चीजें देखने को मिलती है। यहाँ सैकड़ों मील तक घास उगा हुआ है और इसमें लातादाद एक ही तरह के दायरे बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इस घास पर किसी ने सर्कल्स डिजाइन किए हों। ये तमाम सर्कल्स बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं और इनका डायमीटर 10 से 65 फुट होता है। साइंटिस्ट इस बात का पता आज तक नहीं लगा पाए कि आखिर ये सब सर्कल शेप में ही क्यों है। और इससे भी पुरअसरार बात यह है कि इन सर्कल्स में कोई भी चीज नहीं उगती। साइंसदानों ने कई थ्योरीज पेश की है, लेकिन इन सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। ऑसम गेट। दोस्तों, ऑसम गेट एक निहायत ही खूबसूरत पहाड़ है जो कि बरू में वाकई है। इसे रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है। अगर आप इस जगह की वीडियो या तस्वीरें पहली बार देखेंगे तो ये जगह रियल लगती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे इसे फोटोशॉप में बनाया गया हो। ये पहाड़ी हिस्सा 245 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पहाड़ पर मौजूद रंग कुदरती तौर पर है। इसकी चोटी तक पहुँचना किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि ऑसम गेट का रास्ता बिरू के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। बहरहाल, इस नज़ारे को देखने के लिए टूरिस्ट कोई भी खतरा उठा लेंगे। क्रूक फॉरेस्ट। दोस्तों, नेचर में ऐसी बहुत सी स्ट्रेंज चीजें मिलती हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पोलैंड के नॉर्थ वेस्ट में एक जंगल दुनिया के सबसे अजीब और गरीब दरख्त देखने को मिलता है। इस जंगल में 400 पाइन ट्रीज मौजूद हैं जो कि बिल्कुल यूनिक और अनरियल लगते हैं। ऊपर से तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल पाइन ट्री की तरह है, लेकिन अगर इनकी बेस यानी निचला हिस्सा देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी मिस्टीरियस फेरी टेल में आ गया हो। सबसे पुरअसरार बात तो ये है कि ये 400 दरख्त 90 डिग्री के एंगल से एक ही हालत में बैंड हुए हैं। इस जगह को क्रूक्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। हर दरख्त नीचे से बैंड है और ये कुदरती तौर पर है। इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। अंडरवाटर वाटरफॉल। पहाड़ों से गिरता हुआ वाटरफॉल तो यकीनन आप सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या आपने पानी के दरमियान पानी में ही गिरता हुआ वाटरफॉल देखा है? यकीनन दोस्तों नहीं देखा होगा। ऐसी जगह हकीकतन मौजूद है। ऐसा वाटरफॉल अफ्रीका और साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। ये वाटरफॉल पानी के अंदर ही मजीद नीचे गिरता है। अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीम नमूना है। ये वाटरफॉल सदियों से यहाँ समंदर का पानी गहराई में गिर रहा है, लेकिन ये आज तक साबित नहीं हुआ कि पानी समंदर की तह में आखिर जाता कहाँ है। साइंसदानों के पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।